अस्सलामु अलैकुम। हम बनाने वाले हैं न्यूटेला। न्यूटेला के अंदर जो इंग्रेडिएंट जाते हैं उसके अंदर सबसे मेन जो है ये है हेजलनट्स। आपको परेशानी होगी इसलिए हम आपको ये पैकेट ही दिखा देते हैं। इंडिया में तो ये नहीं होता है, ये इटली का है ये, और ये ऑलरेडी भुना हुआ है और आपको ये कच्चे भी मिलते हैं। तो जैसा मूँगफली होती है उस तरीके से आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, इसके साथ आपका ये न्यूटेला तैयार हो जाएगा। और हम आपको दिखाते हैं कि ये कच्चा कैसे दिखता है वो बाद में दिखाते हैं। और ये हमारे पास है रोस्टेड, आप देख सकते हैं ये इस तरीके का होता है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसको मैं आपको अंदर से तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये भुना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये देखें। और सबसे बड़ी बात तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसको रोस्टेड को भी आप आराम से खा सकते हैं। तो ये पैकेट आपको बिग बाज़ार में या कोई अच्छे से मॉल में हेजल नट्स के नाम से बड़े आराम से मिल सकता है। और इसको हम फिर से इसमें भर देते हैं और हम बनाते हैं इससे न्यूटेला, दिखाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये किस तरीके का कच्चा दिखता है, किस तरीके का अपने शेल के अंदर दिखता है, अभी तो ये शेल से बाहर है, और किस तरीके का ये अनरोस्टेड दिखता है। ये तो हमारे पास रोस्टेड है। हेजलनट्स का पेड़ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही हरा भरा। पत्ते इसके पान के पत्ते की तरह होते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल पास से। और ये इस तरीके से, ये देखें, आपको हेजलनट्स दिख रहे होंगे, हम बिल्कुल पास से दिखा देते हैं आपको। ये देखें, ये इस तरीके के होते हैं। ये तीन ज़्यादातर एक जगह जुड़े हुए होते हैं, कुल मिला के ये अखरोट की तरह होते हैं और इसका पूरा प्रोसेस अखरोट की ही तरह होता है, ये देखें। और उसके बाद ये पत्ते हटा दें और ये सब एक जगह, जैसे बिल्कुल अखरोट का भी यही किया जाता है कि बोरी में या फिर किसी डब्बे वगैरह में कहीं पे छोड़ देते हैं अंधेरे में, यानी कि सड़ने के लिए। जो ऊपर का इसके होता है वो बिल्कुल खाने के लायक नहीं होता है, इसी तरह अखरोट का भी नहीं होता है। कुदरत ने जो ज़्यादा महंगी या इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर इस तरीके का कवर चढ़ाया हुआ होता है। खाली अखरोट या फिर बादाम या फिर काजू कहीं इस तरीके से टंगे हुए होंगे, जाहिर सी बात है वो इंसानों की पहुंच से पहले ही पहले उसको जानवर चट कर जाएंगे। तो उसके ऊपर इस तरीके का एक फल होता है, तो वो ये सड़ गया है। अब इसके नट्स देखें, इस सड़े हुए में से ये बाहर निकल आए, लेकिन इसके ऊपर एक ही बहुत ही हार्ड शेल है, तो ये इस पर से हटाना होगा, तब जाके इसके अंदर से घिरी निकल पाएगी। एकदम से वाइट घिरी होती है इसकी, तो आप देखें कि इतनी ज़्यादा अच्छी और वाइट घिरी है ये। लेकिन हाँ, ये है वो वाइट घिरी जिसको आपको रोस्ट करना है, और रोस्ट करने के बाद आप स्नैक्स की तरह ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इससे बनाते हैं न्यूटेला। चलें तो बनाते हैं फिर हम न्यूटेला। अखरोट हैं, बादाम हैं, हेजलनट्स हैं, तो हम बनाते हैं आपके लिए न्यूटेला। तो ज़रूर देखिए अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।